नमस्ते, मैं कुनमुन और आपका स्वागत है मेरे रसोई में। ये छेनी का पानी है, इसको हम यूजली आटा गूंदने में, दाल बनाने में या फिर सब्जी का ग्रेवी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। आज मैं बताऊँगी इससे आप किसी टेस्टी आसान तरीके से कढ़ी बना सकते हैं। कढ़ी बनाने के लिए हमें इन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है। पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें तेल गरम करेंगे। जब तेल अच्छे से गरम होने लगे तब हम उसमें लाल मिर्च, पंचफोरन और करी पत्ता डालेंगे। मैंने यह लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये तड़के के लिए कर रहे हैं। जब तक तड़का तैयार हो रहा है तब तक हम मिश्रण बना लेते हैं। मिश्रण बनाने के लिए मैंने यह छेने के पानी में करीबन हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, नमक करीबन 1 टीस्पून, आप स्वाद अनुसार नमक ऐड करें, और हाफ टेबल स्पून चावल का आटा और 2 बड़े चम्मच दही। दही हम ये खटास के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम ये इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते समय ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई लम्स ना रहे। लीजिए, हमारा मिश्रण अब तैयार है। अब हम इसको तड़के में मिला लें। तड़का अब रेडी, हम इसको इसमें मिला लेंगे। अब हम इसको 5 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए रख देंगे और 5 मिनट के बाद हमारा कढ़ी रेडी हो जाएगा। देखिए 5 मिनट हो गया और कढ़ी का कितना अच्छा कलर आया है। एक बार मिला लें और लीजिए, हमारा कढ़ी तैयार है। आप ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।